शूलिनी माता मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। माता में सच्ची आस्था रखने वाले भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। शूलिनी माता सोलन शहर वासियों की कुलदेवी है और उन्हीं की छत्र छाया में सोलन फल फूल रहा है। शूलिनी माता मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। माता में सच्ची आस्था रखने वाले भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर माता के आशीर्वाद ले रहे हैं। शूलिनी माता सोलन शहर वासियों की कुल देवी भी है और उन्हीं की छत्र छाया में सोलन फल फूल रहा है। आज तक सोलन में कोई भी आपदा नहीं आई है। नवरात्रों में लोग दूर दूर से माँ के मंदिर में माथा टेकने पहुँच रहे हैं और मंगल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सुनीता वर्मा है और मैं सोलन में रहती हूँ। 8 सालों से माता रानी की कृपा मेरे ऊपर बहुत बरसी है और 8 सालों से माता रानी झोली भरती आई है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि माता रानी ने, मैंने जो भी माता रानी से मांगा है आज तक हर मनोकामना मेरी पूरी हुई है। और हम 9 दिन तक लगातार माता रानी के भजन कीर्तन करते हैं, खूब ढोल नगाड़े बजाते हैं, खूब नाचते हैं, माता रानी को खूब रिझाते हैं और 9वें दिन माता रानी से झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। और मेरी हर श्रद्धालु से ये प्रार्थना है कि शूलिनी माता के मंदिर में जरूर आए और सारी झोलियों से अपने झोलियाँ खुशियों से भर के ले जाए। जयकारा शूलिनी मैया दा, बोल साचे दरबार की जय। अनुजा सूद हूँ और मेरी इसी साल शादी हुई है, तो मेरा पहला नवरात्रा है। मैं यहाँ मेन मंदिर शूलिनी माता के आई हूँ दर्शन लेने, मेरे पहले नवरात्रे हैं, तो माता की कृपा है। मैं अनोखी रामत्री हूँ और मैं जावली से आया हूँ। यहाँ शूलिनी माता के मंदिर में मथा टेकने आया हूँ। आजकल नवरात्रों के दिन है तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं महामाई पूरी करती है और हम भी कोशिश करते हैं हर साल यहाँ आने के लिए। मेरा नाम निर्मल अत्री है, मैं जावली से आई हूँ, अपने पति के साथ आई हूँ मंदिर में मत्था टेकने के लिए। हम हर साल आने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी कृपा रहती है लोगों की, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो मन में इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। मेरा नाम इशिता है और मैं सोलन से हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम हर वर्ष इस जब नवरात्रि होते हैं तो माता के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई दर्शन करने आता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। मेरा नाम निधि है, मैं सोलन की रहने वाली हूँ और जैसा आपको सभी को पता है कि यहाँ पे नवरात्रि चले हुए हैं और मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे मंदिर आई हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पे आने से मनोकामना पूरी होती है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीटी के साथ। नमस्कार।